दोन धावा आणि या दोन धावा बरोबरच अकस्मात पातुर्डा क्रिकेट संघ आपलं धावांचं खातं सुरू करतोय। जे जे सी मापा क्रिकेट संघाने नाणेफेक जिंकली, प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले, क्वार्टर फायनलची लढत आज सकाळच्या सत्रात सेमीफायनलमध्ये गुमटेश्वर क्रिकेट संघ मजल मारतोय आणि संध्याकाळच्या सत्रात बघूया हे दोन संघ आमने सामने, जो जिंकेल तो दावेदार असेल सेमीफायनलमध्ये खेळण्यासाठी। नवनाथ स्ट्राइकला वैयक्तिक दोन धावावर, एकूण डाव संख्या दोन, पहिला षटक पॉवर प्लेचं, बॉलिंग मार्कवर विक्रांत। आखू टप्प्याचा चेंडू याही वेळा फटका फसलाय स्क्वेअरलेगला, क्षेत्ररक्षक एक सुरेख झेल टिपला जातोय, नवनाथ तंबू मध्ये परततोय। पहिला गडी अकस्मात पातोड क्रिकेट संघाचा हा बाद होतोय। डीजे नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय तो महबूब। पहिला गडी बाद होतोय, विक्रांत पहिला यश मिळवतोय, एक सर एक झेल टिपला जातोय, शॉर्ट पॉइंट लेकला, स्ट्राइकला बॅटर नागप्पा। ऑफटमच्या बाहेर चेंडू, थोडासा टप्पा पडल्यानंतर खाली राहतोय, पंच दोन्ही आज समांतर करतायत, अवांतरचा इशारा होतोय, वाईड बॉलचा इशारा होतोय, एकेरी धावेनं या ठिकाणी धावसंख्या पुढे सरकते 3-1 गड्याच्या मोबदल्यात। पहिलं षटक जे पॉवर प्लेचं षटक, अल्टी पलटी यावेळी मात्र चेंडू बॅकच्या पट्ट्यात येत नाही, चेंडू निर्धाव जातोय, स्ट्राइकला नागप्पा, नॉन स्ट्राइकरला नवीन फलंदाज महबूब। पहिलं षटक पॉवर प्लेचं षटक, मिड विकेट आणि डीप लॉन्ग ऑन, लेग स्टंपरचा चेंडू, मनगटची सुरेख फटका, फाईन लेगच्या दिशेनं, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे, एक धाव पूर्ण होते, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय आणि जोपर्यंत फाईन लेग बाउंड्रीवरनं फेक होते यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं, दोन धावा सहजगत्या दोन्ही फलंदाजे पूर्ण करतायत आणि या दोन धावा बरोबरच धावफलक मात्र पोचतोय तो 5-1 गड्याच्या मोबदल्यात। अष्टपैलू खेळाडू विक्रांत, बघा पुन्हा एकदा फटका, मिस टाइम फटका, मिडॉनला क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, झेल टिपतोय, दुसरा हादरा बसतोय पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकात। डीजे दोन गडी बाद 5-1 नाजूक सुरुवात। षटक पॉवर प्लेचं षटक, अवघ्या 5-2 दोन गड्यांच्या मोबदल्यात एक नाजूक सुरुवात अकस्मात पातुर्डा क्रिकेट संघाची। फलंदाजीत गोलंदाजीत बदल होते, अक्षय गोलंदाज सज्ज होते। पहिलं षटक चांगली सुरुवात गोलंदाजीत, पहिल्या षटकात नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय जे जे सी मापा क्रिकेट संघानं। फलंदाजीला पहिल्यांदा अकस्मात पातुर्डा क्रिकेट संघाला मैदानात पाचारण केलंय आणि शैलेश नवीन फलंदाज, गोलंदाजीत बदल होतोय, अक्षय गोलंदाज सज्ज होतोय, क्षेत्ररक्षणात मैदानात बदल होतोय। पहिलं षटक समाप्त, दोन गडी बाद 5 अशी धावसंख्या ही फलंदाजी करताना। कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून रोड एंड कडनं सज्ज होतोय गोलंदाज, अक्षय क्षेत्ररक्षणात मैदानात बदल होतोय, पॉवर प्लेचं षटक समाप्त झाल्यानंतर क्षेत्ररक्षण मैदानात विखुरलं जातंय। 5-2 गड्यांच्या मोबदल्यात क्वार्टर फायनलची लढत या दोन संघादरम्यान। ओव्हरपिच चेंडू, एक सुरेख फटका, लॉंग ऑफला चेंडू सीमापार, षटकार 6 धावांसाठी। डीजे
पुन्हा एकदा एक घराघाती फटका, गगन चुंबी फटका, लॉन्ग ऑफला षटकार, 6 रन के लिए गेंद सीमारेखा से बाहर। पहिल्या षटकात चांगली सुरुवात विक्रांतची, अवघ्या 5 धावा 2 गडी बाद करतोय। त्यानंतर मात्र गोलंदाजीतील बदल, अक्षयला 2 षटकार टलवले जातात। सुरुवातीच्या 2 चेंडूवर धावपलक पुढे सरकतोय, 17 लॉस ऑफ 2 विकेट, 2 गडी बाद 17। थोडीशी चर्चा मैदानात दिसते पंच आणि खेळाडू यांच्या दरम्यान। क्वार्टर फायनलचा सामना, महत्वाची लढत सकाळच्या 17 घुमटेश्वर क्रिकेट संघ हा सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करतोय, आणि कालच्या दिवसातील एक सामना जो बाकी आहे, क्वार्टर फायनलचा सामना जो सकाळी उद्या पहिला सामना असेल, जी क्वार्टर फायनलची लढत असेल। राईट आम ओवर द विकेट अक्षय। ओ याही वेळा एक्सर एक फटका स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक, यावेळी मात्र झेल सुटतोय क्षेत्ररक्षकाच्या हातातून, चेंडू निसटतोय, ओव्हर थ्रो होतोय, बॅकअप होतोय मिड ऑफला, एकेरी धावे ची भर धाव संख्येत पडते, एकेरी धावे बरोबर धावपलक पुढे सरकतोय तो, 18 लॉस ऑफ 2 विकेट, सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस। 13 धावावर वैयक्तिक शैलेशला साथ देतोय तो फलंदाज मेहबूब। गोलंदाजी मार्क वर अक्षय, एक छोटा रनअप 7-8 पावलांचं। ऑफ स्टंप पर एक शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू, फास्टर वन पद्धतीचा चेंडू, भन्नाट वेगात चेंडू यष्टरक्षकाच्या हातात। ऑफसाइडला एक डीप कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक, बाउंड्री लाईन वर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री वर एक डीप लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वेअर लेग। ऑफसाइडला एक एक्स्ट्रा कव्हर, एक मिड ऑनला क्षेत्ररक्षक, बघ्या लॉन्ग ऑन बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक, चेंडूच्या खाली झेल टेपतोय, 3रा गडी तंबू मध्ये परततोय, अकस्मात फातोडा क्रिकेट संघाचा डीजे। थँक्यू डीजे। जगदंबा चषक 2022, उद्या या स्पर्धेचा अंतिम दिवस, सकाळच्या 17 पहिला क्वार्टर फायनलचा सामना, त्यानंतर 2 सेमीफायनल आणि सायंकाळी मेगा फायनल। चांगला चेंडू, बॉलर बॅक टू द ड्राईव्ह पद्धतीचा फटका, मिडॉनला क्षेत्ररक्षक, एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज सहजगत्या पूर्ण करतायत, 19 लॉस ऑफ 3 विकेट, 19 रन 3 विकेट पर खेल 2 ओव्हर का समाप्त होने के बाद। दो ओवर का खेल समाप्त हुआ, पहला ओवर में सिर्फ 5 रन 2 विकेट, दूसरा ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ अक्षय का, 2 छक्के लगे शुरू के 2 गेंदों पर, लेकिन बाद में बढ़िया कमबैक किया अक्षय ने, सफलता दिला दी और एक परिवर्तन गेंदबाजी में। बॉलर नेम प्लीज, शुभम, थैंक यू। गोलंदाजीत बदल होते, शुभम सज्ज होते बॉलिंग मार्क वर, ऑफस्टंपच्या बाहेर चेंडू, पंच दोन्ही हात समांतर करतायत, अवांतरचा इशारा होतोय, अवांतर धावे बरोबर एकेरी धावेची भर ही धाव संख्येत पडते, 20 लॉस ऑफ 3 विकेट, 20 रन 3 विकेट पर, थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस।
शुभम शुभम गोलंदाज षटांपलचा फटका लांगा बाउंड्रीला चित्ररक्षक सुंदर फिल्डिंग अतिशय सुरेख फिल्डिंग किमान पाच धावा वाचवतोय चित्ररक्षक लांगा बाउंड्रीला जहीर न्यू बॅटर जहीर गोलंदाज शुभम टलवायचा प्रयत्न ऑन साइडला बघूया सिलिमिडापच्या दिशेने पॉइंटवरनं चित्ररक्षक येतोय एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत अतिशय सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजा दरम्यान आणि एकेरी धावेबरोबर धावफलक पोहोचतोय तो 22 लॉस ऑफ 4 विकेट 22 रन 4 विकेट पर खेळ चलता हुआ तीसरा ओवर मॅच का ऑफ टेम्परचा चेंडू बघूया स्लिपला शॉर्ट हँडमॅनला चित्ररक्षक बाईचा इशारा होतोय पंचांकडून आणखी एका धावीची भर धावसंख्येत पडते धावफलक पोहोचतोय तो 23 चार गडी बाद 23 23 लॉस ऑफ 4 विकेट तिसरा षटक गोलंदाज शुभम पुढे सरसावतोय डाऊन द ग्राउंड लॉंग ऑन बाउंड्रीला चित्ररक्षक खराब चित्ररक्षण मिस फिल्डिंग गेंद चली गई चार रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर डीजे विकेट 27 रन 4 विकेट पर चार गडी बाद 27 शुभम पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्क वर एक छोटा रन अप 7-8 पावलांचं जहीर न्यू बॅटर स्ट्राइकला फलंदाज शैलेश सुरेख फटका लॉंगा बाउंड्रीला कॉमेंट्री बॉक्सच्या बरोबर डाव्या बाजूला चेंडू बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं चौकार चार धावांसाठी स्कोर पहुंचा 31 31 रनों पर गोलंदाजीत आणखी एक बदल होतोय शिवम सज्ज होतोय सफल गोलंदाज विक्रांत सुरुवातीचं पहिलं षटक पॉवर प्लेचं ज्या षटकात दोन गडी बाद करतोय अवघ्या पाच धावा खर्च करतोय त्यानंतर चौथ्या षटकात मात्र शिवम बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय जहीर स्ट्राइकला सुरेख फटका ओव्हर पिच चेंडू लॉफ केलाय लॉंग अप बाउंड्रीला चार धावा चौकार डीजे चेंडू आणि बॅट यांचा काही संपर्क होत नाही ऑफ साइडला पुन्हा एकदा एक टोलवायचा प्रयत्न फलंदाज 35 लॉस ऑफ 4 विकेट फोर्थ ओव्हर इन प्रोग्रेस शिवम राईट आर्म ओव्हर द विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर सुंदर फटका बघूया लॉंग ऑनला चेंडू षटकार 6 रन के लिए गेंद सीमारेखा से बाहर डीजे धावफलक अतिशय भराभर धावसंख्येत भर पडते 41 शॉर्ट आर्म पुलचा फटका हवेत काव कॉर्नरला चित्ररक्षक
फलंदाज या ठिकाणी बाद होतोय, पाचवा गडी तंबू मध्ये परततोय, पाचवा हादरा बसतोय, फलंदाज धावबाद होतोय। न्यू बैटर इमान शॉर्ट एम्पल का शॉट डीप लॉन्ग आर्म से मारे का से बाहर गेंद 6 रन के लिए। फोर्टी टोटल स्कोर 47 रन। आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए लेकिन बिल्कुल मिस कर गए गेंद को, गेंद चली गई विकेट के ऊपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वही पर रुका हुआ 47 पर। खेल और एक ओवर जो कि समाप्त होता हुआ, चार ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 47 रन 5 विकेट पर। आखिरी ओवर का खेल बाकी, क्वार्टर फाइनल का मैच है, जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में खेलेगा। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे शैलेश, 2 चौके 3 छक्के 30 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए, और न्यू बैटर ईमान मैदान पर और आखिरी ओवर का खेल। रितेश गेंदबाजी कर मोर्चे पर, आखिरी ओवर 5वां ओवर क्वार्टर फाइनल के मैच में बल्लेबाजी अकस्मात पातोड़ा क्रिकेट टीम की। ओ ईमान के बल्ले से एक लंबा शॉट हवाई फायर डीप मिड विकेट से मारे का से बाहर गेंद 6 रन के लिए। इस बड़े शॉट के साथ ईमान के 6 रन और 50 रन भी पूरे होते हुए 53 टोटल स्कोर 53 रन 53 लॉस ऑफ 5 विकेट। अंतिम ओवर का खेल और रितेश बॉलिंग मार पर, इस बार हवाई फायर फिर से देखना होगा। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर बहुत ही बेहतरीन कैच और एक सफलता मिलती हुई टीम को, विकेट नंबर 6 वापस 53 लॉस ऑफ 6 विकेट। बाजी पर न्यू बैटर नॉन स्ट्राइकर एंड पर, स्ट्राइक एंड पर शैलेश बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, खुद के व्यक्तिगत 30 रन पर बल्लेबाजी करते हुए। अंतिम ओवर का खेल जारी, छोटी गेंद इस बार और देखना होगा मिड ऑन पर फील्डर, गेंद के नीचे और एक विकेट वापस निकलता हुआ 7वां विकेट अकस्मात पातोड़ा क्रिकेट टीम का वापस 53 53 रन 7 विकेट पर। कॉन्सेंट्रेट आ रहा है।
ऑक्सिजन सिलेंडरानो कॉन्सन्ट्रेटर आसा घालतो काय ते रेंटा देत त्यांना। वाइड बॉल का इशारा, लेग स्टंप से बाहर, एक रन मिला स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ा 54। सिलेंडर आए दिल ने कौन स्ट्राइक कौन दो वाइड बॉल अभिजीत मारा वासु स्ट्राइक पर वासु फुटबॉल कौन ओ बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। वासु के बल्ले से शानदार शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 6 रन। आखिरी ओवर थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ, 2 छक्के लगे इस ओवर में, अंतिम ओवर में सफलता जरूर 2 मिली, 2 विकेट भी मिले और 2 बड़े शॉट भी निकले। स्कोर हो चुका है 60, टोटल 60 रन 7 विकेट पर। ये धीमी पे की गेंद, थोड़ा जल्दी खेल बैठे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। वासु स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करते हुए, नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैटर है अभिजीत और बॉलिंग बार पर रितेश। देखने का ये गेंद एकदम से बाहर, रनआउट का खतरा रहेगा, ओवरथ्रो शायद गेंद को रोक नहीं पाए रितेश, 1 रन बन गया दूसरे के लिए निकले और ये रनआउट का खतरा होगा, मैदान पर देखना होगा। 1 रन मिला स्कोर के खाते में, वाइड बॉल का इशारा, यानी मिले टोटल 2 रन जो स्कोर के खाते में, 2 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 62, 62 रन पर पहुंचा टोटल स्कोर और विकेट गिरती हुई 8, 62 टोटल स्कोर 62 रन। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला आज का अंतिम, अकस्मात पात्रोड़ा और जेजेसी मापा, ये 2 टीम फील्डिंग करती हुई, जेजेसी मापा क्रिकेट टीम, अकस्मात पात्रोड़ा क्रिकेट टीम जो मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए, अंतिम ओवर का खेल जारी और रितेश गेंदबाजी करते हुए, न्यू बैटर मैदान पर इस्माइल। इस बार गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेला, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, रनआउट का खतरा और एक विकेट मिलते हुए इसी के साथ सिर्फ 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ, पहले बल्लेबाजी की 5 ओवर में जो अकस्मात पात्रोड़ा क्रिकेट टीम ने, टोटल स्कोर हो चुका है 63 और टारगेट रखा है 64 का, 64 रनों का टारगेट रखा है मैच को जीतने के लिए। कौन पहुंचेगा सेमीफाइनल में, आइए एक बार फिर से जुड़ जाते हैं कॉमेंट्री बॉक्स में इस आखिरी जो कि चरण में, वैभव जामसिकर के साथ। आइए एक बार फिर से वैभव आपका स्वागत कॉमेंट्री बॉक्स में, टारगेट 64 का, 64 रनों का टारगेट मैच को जीतने का। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब।
4 रनों का लक्ष्य और उसका पीछा करते हुए जय जैसी मैपा की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए यहां पे अकस्मात फतोडा ने 63 रन बनाए और 64 रन का लक्ष्य यहां पे रखा गया है। एक अच्छा मुकाबला देखने की आशा में दर्शक इस मैदान पर जुड़ते हुए अब सभी का स्वागत है। फिर एक बार कॉमेंट्री बॉक्स से जगदम चषक आयोजित द्वारा युद्ध श्रेष्ठ क्या बड़ी आयोजन है, दूसरा दिन चलता हुआ इस श्रृंखला का 64 रन का लक्ष्य और उसी का पीछा करने के लिए ओपनिंग तौर पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हुए विक्रांत और अक्षय। स्ट्राइक पर है विक्रांत और गेंदबाजी का भार संभालेंगे शैलेश। ये पहली गेंद येलो फुल टॉस गेंद, हालांकि गेंद फंस गई, फील्डर वहां पे मौजूद, कैच हो सकती है इसी के साथ पहली गेंद पर झटका लगता हुआ। तरवाड़ी जी ओवर की पहली गेंद पर इनिंग की पहली गेंद पर यहां पर झटका लगता हुआ विक्रांत के रूप में अब नए बल्लेबाज मैदान पर उतरते हुए बैट्समैन ने प्लेस नॉन स्ट्राइक। प्रीतम आए बल्लेबाजी करने के लिए नॉन स्ट्राइक पर ये पहली गेंद। इस बीच कट करने की कोशिश, हालांकि दूसरी गेंद यहां पे थी, बढ़िया गेंद यहां पे डाली गई है, पहली गेंद पर यहां पे सफलता मिली थी। इस बीच दूसरी गेंद अच्छी गेंद डॉट के रूप में निकलते हुए और बढ़िया गेंदबाजी करते हुए जिस तरीके से गेंदबाजी करनी चाहिए कप्तान ने उनको गेंद सौंपी गई थी बखूबी उतरते हुए उसके इस बार रिवर्सिप खेलने की कोशिश, जिस तरीके से शॉट यहां पे खेलना चाहते थे वो शॉट तो नहीं खेल सके। इस बीच रनआउट का मौका जरूर बन गया था पर आसानी से क्रीज मर यहां पर पहुंचते हुए काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। सिंगल के सारे स्कोर एक रन, खाता खुलता हुआ जय जैसी मापा का बढ़िया मैच यहाँ पे चलता हुआ श्रेष्ठ मैदान पर। फिर एक बार अपने आप को संभाल कर अगली गेंद लेके शैलेश। हल्की सी फील्डिंग तब्दीली यहाँ पे दिखती हुई, शाम ढलती हुई, हल्की सी धूप यहाँ पे 5 किलोमीटर की रफ्तार से हवा बहती हुई, चमकती धूप और इस बीच ये अगली गेंद। इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद, मिड ऑफ का खिलाड़ी वहां पे मौजूद, बढ़िया रोका गया है वहां पे, कोई रन लेने का मौका नहीं देते हुए अच्छी फील्डिंग का मुआयना दिखता हुआ। इस बीच स्कोर अभी भी रुका हुआ सिर्फ एक रन। फिर एक बार फील्डिंग भी तब्दीली यहां पे करना चाहेंगे ये धीमी गति की गेंद, हल्की सी लो फुल टच गेंद थी और खेल दिया मिड विकेट का खिलाड़ी वहां पे मौजूद और तब तक एक रन लेने का मौका यहां पे बनता हुआ। इस एक रन के सारे स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ सिर्फ 2 रन, 64 रन का लक्ष्य और इसी का पीछा करते हुए जय जैसी मापा की टीम एक झटका लग चुका है। अब स्ट्राइक पर आए अक्षय, अच्छी बल्लेबाजी की है, पिछले मैच में भी मैन ऑफ द मैच रहे थे पिछले मैच के। इस बीच एक जिम्मेदारी के साथ उतरे गई है बल्लेबाजी करने के लिए। इस बीच सफल होकर खेलने की कोशिश यहाँ पे देखते हुए काफी लेग स्टंप से बाहर गेंद और वाइड का इशारा अंपायर काम तक पहुंचता हुआ अतिरिक्त रन यहाँ पे काफी बढ़िया अंपायरिंग का काम करते हुए दामू नाइक और अनंत कदम के रूप में जिसे प्रमाणित अंपायर इस पूरे श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ते हुए। अगली गेंद इस बार आगे के खेलने की कोशिश, ये बढ़िया गेंद, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ यहाँ पे गेंदबाजी करने की कोशिश और सफल भी होते हुए ओवर की समाप्ति यहाँ पे होते हुए ओवर की समाप्ति पर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर डीजे।
इस बीच फिर एक बार अपने आप को संभाल कर दूसरी गेंद लेके ओवर की पहली गेंद पर चौका लग जरूर गया था। इस बीच ये अगली गेंद लेके ये बढ़िया गेंद अतिरिक्त गति यहां पे प्रदान करते हुए अच्छी गेंद और थोड़ी सी ऑप्शन से बाहर, शायद अंपायर अपनी बाहें फैलाते हुए वाइड का इशारा करते हुए लगभग लगा था कि अच्छी गेंद कर गए हैं। बहुत गति से यहां पे डाली गई थी, काफी ऑप्शन से बाहर अतिरिक्त रन यहां पे जुड़ता हुआ ये अगली गेंद लेके इस बार खेल दिया है। गैप में जाती हुई गेंद, कोई फील्डर वहां पे मौजूद, हालांकि बढ़िया वहां पे दौड़ लगाकर रोका गया। इस बीच दो रन लेने का मौका यहां पे बनता हुआ और आसानी से दो रन यहां पे पूरे होते हुए काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छा साबित होता हुआ ये ओवर जेजेसी मापा के लिए। इस दो रन के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन यहां पे हो गए। दूसरी ओवर प्रगति पर चलते हुए 64 रनों का लक्ष्य अब बचिए 22 गेंदें बचिए और 54 रन चाहिए जीत के लिए। कच्चे औसत से बनने की कोशिश यहां पे जेजेसी मापा की टीम करते हुए दूसरी ओवर प्रगति पर चलते हुए दो गेंदे हो चुके और चार गेंदे बचे इस ओवर की अगली गेंद। इस बार बढ़िया गेंद, उतनी अच्छी शॉट, लोगों का खिलाड़ी वहां पे मौजूद और बढ़िया फील्डिंग वहां पे। इस बीच एक रन यहां पे पूरा होता हुआ, सिंगल के सारे 11 रन यहां पे बनते हुए एक विकेट गिर चुके। विक्रांत के रूप में पहली सफलता यहां पे मिली थी पहली ओवर में और इस बीच अच्छी बल्लेबाजी होती हुई कच्चे औसत से बढ़ने की कोशिश, जानते कि हाथ खोलने का मौका नहीं दे नहीं रहे गेंदबाज। इस बीच 21 निकालकर स्ट्राइक रोटेट करने की सोच यहां पे दिखते हुए वासु फिर एक बार बॉलिंग मार्ग पर लंबे रन के साथ यहां पे दौड़ लगाते हुए गेंदबाजी करने के लिए। इस बार बढ़िया गेंद, उतने अच्छे शॉट कट कर दिया है, फील्डर वहां पे मौजूद और इस बीच सिंगल यहां पे प्राप्त होती हुई इस सिंगल के सारे स्कोर 12 रन बन गए। बढ़िया कट करने की कोशिश वहां पे उतनी अच्छी शॉट दिखी थी अक्षय की, ज्यादातर रिवर्स स्वीप खेला करते हैं, पिछले मैच में भी देखा था क्या बढ़िया रिवर्स स्वीप के रूप में छक्का लगाया था कवर्स की दिशा में वासु फिर एक बार अगली गेंद लेके। इस बार आगे आके खेलने की कोशिश, मल्ल का किनारा लिया जरूर गया था, थोड़ी सी आगे गिरती हुई गेंद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई एक मौका बन सकता था कीपर के लिए अच्छी फील्डिंग वहां पे डॉट के रूप में निकलती हुई गेंद और ये गेंद सोने के भाव में तोली जाएगी। टेनिस क्रिकेट में एक एक डॉट गेंद सोने के भाव में तोली जाती है। वासु फिर एक बार अगली गेंद लेके इस बार गेंद फंस गई है हवा में, गेंद फील्डर नीचे मौजूद, हालांकि कॉल नहीं देते हुए कैच यहां पे मिल सकती थी, कीपर की कैच वहां पे थी, काफी देर तक हवा में थी गेंद, कोई फील्डर ने कोशिश नहीं की, अंतिम कैच यहां पे ड्रॉप होती हुई जीवनदान यहां पे मिलता हुआ। ओवर की समाप्ति होती हुई ओवर की समाप्ति पर 12 रन यहां पे बन गए, एक झटका लग चुका, एक सफलता जरूर मिल सकती थी अकस्मात फतोड़ा को, एक अच्छा मौका बना था कैच के रूप में सफलता मिल सकती थी पर कैच वहां पे ड्रॉप होते हुए कैच तो चली गई, हाथ से मैच ना चली जाए, नॉकआउट टूर्नामेंट है, ऐसी गलतियां आप नहीं कर सकते खास करके ऐसे क्रूशियल मैचेस में। क्वार्टर फाइनल का मैच यहां पे चलता हुआ जगदम्ब चषक 2022 का यह मुकाबला अंतिम मुकाबला आज के दिन का। क्या बढ़िया स्ट्रोक, फील्डर वहां पे तैनात किया गया और सीधा फील्डर के हाथ में जाके रुकती हुई है गेंद, बड़ा झटका यहां पे लगता हुआ जेजेसी मापा को। कहीं ना कहीं घसमाल फतुड़ा की टीम यहाँ पे गेंदबाज मैच पर पकड़ बनाते हुए एक बड़ा बल्लेबाज अक्षय जो क्या बढ़िया बल्लेबाजी की थी आज के दिन में, कहर मचा दिया था, लाजवाब रिवर्स स्वीप के रूप में छक्के लगाए थे, वो डगआउट वापस जाते हुए। इस बीच अभिजीत अगली गेंद लेके काफी तेज गेंद, ये बढ़िया गेंद यहाँ पे
लाजवाब गेंद, कम से कम 120 की रफ्तार से फेंकी गई थी गेंद, कोई मौका नहीं, बल्लेबाज के बाद शॉट खेलने की कोशिश की थी, पर कोशिश कोशिश ही रहती हुई गेंद जाती हुई डॉट के रूप में। इस बीच इलेक्शन से बाहर, अच्छा अच्छी गेंदबाजी कर जरूर रहे थे, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे, इस बीच इलेक्शन से बाहर डालते हुए गेंद वाइड के रूप में, अतिरिक्त रन यहां पे देते हुए इस वाइड के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। इस बार वाइने की दिशा में खेल दिया, विंडर वहां पे मौजूद, क्या बढ़िया कैच वहां पे लपकी गई है, कहीं ना कहीं मैच में यहां पे वापसी करते हुए काफी पकड़ यहां पे बनाते हुए मैच पर, अकस्मात वतोड़ा की टीम बढ़िया प्रदर्शन यहां पे करती हुई। तेरह रन बन गए, तीन विकेट गिर चुके, तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, अंतिम मैच आज के दिन का, अब जीते गेंदबाज। इस बीच खेल दिया स्ट्रेट ड्राइव के रूप में, लॉन्गर का खिलाड़ी वहां पे दौड़ लगाते हुए अच्छी फील्डिंग का मुआयना वहां पे दिखता हुआ, कहीं ना कहीं अच्छी पकड़ यहां पे बनाने की कोशिश अकस्मात फतोड़ा के, अक्षय के विकेट के बाद मैच में वापसी करते हुए, क्या बढ़िया विकेट यहां पे, अच्छी सफलता यहां पे मिली थी अक्षय के रूप में। बैट्समैन ने प्लीज, इस बार बढ़िया गेंद, उतनी अच्छी शॉट वहां पे देखते हुए, दो फील्डर वहां पे दौड़ लगाते हुए रोकने की कोशिश वहां पे करते हुए, अच्छा रोकने की कोशिश, बढ़िया रोका गया है वहां पे, पैरों के सहारे वहां पे रोकने की कोशिश और कुछ हद तक सफल होते हुए। बैट्समैन ने प्लीज, बैट्समैन नेम प्लीज। अभिजीत अगली गेंद लेके, लंबे कद के खिलाड़ी लंबे रन अप के साथ यहां पे दौड़ लगाते हुए गेंदबाजी करने के लिए। इस बीच ये गेंद काफी बाहर निकलती हुई, काफी अतिरिक्त गति प्रदान करने की कोशिश वाइड यहां पे करते हुए, अंपायर दंगुना का इशारा हम तक पहुंचता हुआ, अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ, इस रन के सारे स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। इस बीच गेंद फंसते हुए, कवर्स की दिशा में गेंद निकलते हुए, फील्डर वहां पे मौजूद रोकने की कोशिश, अच्छी कोशिश वहां पे, इस बीच सिंगल यहां पे मिलते हुए, सिंगल के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन यहां पे बन गए। तीन ओवर के समाप्ति पर 18 रन यहां पे जोड़े गए, 64 रनों का लक्ष्य उसी का पीछा करते हुए अब तक 12 गेंदें बची है, 46 रन चाहिए, देखिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, कम से कम इस ओवर में 20 के ऊपर रन आने चाहिए अगर अंतिम ओवर में आपको मैच ये लेके जाना है तो, गेंदबाजी करने के लिए महबूब। ये बढ़िया गेंद, तेज दरार गेंद होती है, अच्छी शॉट वहां पे देखते हुए, फील्डर वहां पे मौजूद, कैच हो सकती है और अच्छी कैच वहां पे लपकी गई है, बढ़िया कैच, इसी के साथ यहां पे झटका लगता हुआ महबूब की पहली गेंद और सफलता यहां पे महबूब का मिलते हुए डीजे। यारा
धनबाद डीजे बैट्समैन नेम प्लीज न्यू बैट्समैन इस बीच बढ़िया गेंद वही फील्डर और वही पे कैच निकलते हुए दूसरी सफलता यहां पे मिलते हुए अच्छी गेंदबाजी यहां पे करते हुए महबूब नए बल्लेबाज मैदान पर उतरते हुए रितेश खुद कप्तान टीम के एक जिम्मेदारी के साथ यहां पे उतरते हुए 11 गेंदे बची है शायद माफ कीजिएगा 10 गेंदे बची है काफी रन चाहिए कम से कम 3 स्ट्रोक चाहिए इस ओवर में 20 रन से ऊपर यहां पे बनाने पड़ेंगे काफी मायने रखती है ये ओवर इस बार बढ़िया गेंद संपर्क सही हुआ है हवा में गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाती हुई 6 रन के लिए जिस स्ट्रोक की तलाश में थे काफी देर से ये स्ट्रोक निकलता हुआ 6 रन महबूब फिर एक बार अगली गेंद लेके पिछली गेंद पर छक्का लगते हुए महबूब को इस बार बढ़िया गेंद होती है अच्छी शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा के ऊपर से निकलती हुई गेंद आता मात्र मोटो छोटे मोटे फटको सहाराना साठी धन्यवाद लीजिए 8 गेंदे बची है 34 रन चाहिए जीत के लिए कुछ हद तक ये बल्लेबाज जान डालते हुए मैच में इस बार में लंबा स्ट्रोक खेलने की कोशिश फाइनल की दिशा में निकलते हुए गेंद फील्डर वहां पे दौड़ लगाते हुए 2 रन की मांग यहां पे की गई है और इस बीच चार रन यहां पे मिलते हुए 4 रन का इशारा अंपायर का निकलता हुआ और बहुत कुछ ये मायने रखता है ये 4 रन चेचे से मापा के लिए कुछ हद तक लग रहा था कि पकड़ बनाने की कोशिश की थी अकस्मात फतोडा ने इस बीच ये हल्की सी महंगे साबित होते हुए इस बार भी खेल दिया है गेंद फंसते हुए मिड विकेट का खिलाड़ी वहां पे दौड़ लगाते हुए कैच हो सकती है आसान सी कैच और ओवर की समाप्ति यहाँ पे होती हुई 4 ओवर की समाप्ति स्कोर पहुंचा है 34 रन धन्यवाद डीजे बैट्समैन नेम प्लीज इस बीच अंतिम 6 गेंदे 30 रन चाहिए जीत के लिए मतलब 5 छक्के चाहिए आपको अगर ये मैच जीतना है तो ईमान गेंदबाज ये पहली गेंद लेके इस बार बढ़िया गेंद कट करने की कोशिश वहां पे दिखी थी गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं होता हुआ और अच्छी गेंद यहां पे डॉट के रूप में निकलती हुई एक डॉट गेंद मतलब मैच हाथ में यहां पे अकस्मात फतोडा के अच्छी पकड़ यहां पे बनाते हुए अब बचे 5 गेंदे 5 गेंदों में 5 छक्के अगर ये मैच जीतना है तो इस बार बढ़िया गेंद मिड विकेट की दिशा में शॉट वहां पे खेली गई है फील्डर वहां पे तैनात और इस बीच सिंगल लेने का मौका और कुछ हद तक ये मैच यहां पे अकस्मात फतोड़ा इनकी ओर ये मैच झुकता हुआ अच्छा प्रदर्शन करती हुई टीम इस पूरे श्रृंखला में 4 गेंदे बची है 29 रन चाहिए जीत के लिए कुछ हद तक नामुमकिन सा यहां पे लगता हुआ इस बार धीमी गति की गेंद गेंदबाजी में हल्की सी अभी वेरिएशन करने की कोशिश दिखती हुई और अच्छी गेंद डॉट के रूप में निकलती हुई 3 गेंदे हुई है 29 रन चाहिए 3 गेंदों में 35 रन बन गए 6 झटके लग चुके हैं अगली गेंद इस बार भी लंबा शॉट खेलने की कोशिश बस जिस तरीके से शॉट खेलना चाहते थे कप्तान वैसे तो शॉट नहीं खेल सके इसी के साथ
तब बची है दो गेंदे और चाहिए 28 रन, नामुमकिन सा। काफी सारे दर्शक इस श्रृंखला का लाभ उठाने के लिए आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। कल के दिन अंतिम दिन होगा, इस श्रृंखला का ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा। मैराथन सीरीज के रूप में साइकिल यहाँ पे रखी गई है, चमचमाती हुई ट्रॉफी, 5 फीट की ट्रॉफी जो विनर आपके रूप में यहाँ पे रखी गई है। इस बार बढ़िया गेंद, उतनी अच्छी शॉट, फाइनल की दिशा में ये गेंद निकलती हुई, इस बीच रन लेने का मौका और एक रन यहाँ पे जुड़ता हुआ। हालांकि जीत तो नहीं दिला सकता एक रन पर, हार का अंतर जरूर कम कर सकता है। इस बार ये बढ़िया गेंद और इस गेंद के साथ शायद इनिंग की समाप्ति यहां पे होती हुई। अंतिम गेंद शायद इस बीच ये बढ़िया गेंद और इस गेंद के साथ आखिरकार इनिंग की समाप्ति यहां पे होती हुई और आज के दिन के मैचेस भी यहां पे समाप्त होते हैं। अकस्मात फतोड़ा की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करते हुए, कल क्वार्टर फाइनल, पहली क्वार्टर फाइनल बची थी वो सिर्फ 9 बजे यहां पे खेली जाएगी, सुबह 9 बजे खेली जाएगी। कप्तान नोन कीजिएगा, धन्यवाद डीजे। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार रहेंगे शैलेश। शैलेश से विनती है प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आके अपना मैन ऑफ द मैच कलेक्ट कीजिएगा।